वेलकम बैक अगेन, दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग। पहली दो वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे वापस जाके देख सकते हो, या आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, कहीं आ रहा होगा इधर। और अभी अनरैप करेंगे थर्ड प्रोडक्ट को, जो कि अगेन डीकैथलॉन की तरफ से है। दिस इज फॉर क्लास अल्ट्रा लाइट टॉयलेटरी बैग। इसमें जो है ये हमारा, कह लो जैसे हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, कैंपिंग में जाने के लिए अब हम एक बैग यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपना टॉयलेटरी और डेली यूज़ की चीज़ें डालेंगे। दिखाते हैं इसमें क्या क्या रखा है मैंने इसमें डालने के लिए। तो ये देख सकते हो आपने, इसको मैंने तीन सेक्शन में डिवाइड किया है। ये ग्रूमिंग किट है मेरी, यहाँ पे ब्रशिंग के ऊपर, ये बाथिंग के ऊपर। अब इसमें डालते हैं, ये ऑयल है, शैम्पू, कॉम, फेस वॉश, पाउडर। ये ऑयल आते हैं सैशे यूज एंड थ्रो करने वाले, अच्छे रहते हैं बॉटल कैरी करने से, अच्छा यही है। सेकंड में आ गया एक हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लिप बाम, टूथब्रश, टूथपेस्ट। और इसमें कुछ सोप्स, मिनीचर टाइप हमने बनाया इसको, कम से कम चीज़ें डालें ताकि हो सके। और 5 दिन की मैंने ये किट है मेरी। ये आ गया हमारे सोप, हैंड सोप, पेपर सोप, एक डीओ, शैम्पू, और ये टेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, फास्ट कार्ड, मॉस्किटो रिपेलेंट के टाइप काम करता है ये। अभी भी इसमें काफ़ी जगह है, आप अपने हिसाब से और क्या क्या डाल सकते हो, नेल कटर, कॉम, कैंची, कुछ भी आप डालो इसको, उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। और सारा कुछ डाल के इसको यहाँ पे क्लिप लगा दो, ये हो गया हमारा रेडी किट तैयार। अब इसको जब हम टेंट में यूज़ करें तो कैसे यूज़ करना है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। टेंट की तरफ चलते हैं। आप जैसे रखना चाहो तब भी इसको हैंग कर सकते हो, जब यूज़ करना है तो इसका क्लिप खोल के, ये खुल गई किट हमारी, या टेंट पे टांग लो, इधर आप किसी पेड़ की टाइनिंग वगैरह में, किसी में नेल लगा के, कुछ भी, किसी तरीके से भी जैसे आप यूज़ करना चाहो इसको यूज़ कर सकते हो, और अपना यूज़ करने के बाद दोबारा पैक कर लो। प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कॉस्टिंग इसकी है सारी 500 रुपीज़ का आता है ये बैग, और काफ़ी लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है। अभी के लिए इतना, इसके बाद अब हम फोर्थ प्रोडक्ट के तरफ बढ़ते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हमारा कैंपिंग चेयर कह लो, कैंपिंग स्टूल कह लो, कुछ भी कह लो, काफ़ी लाइट वेट है, कुछ इतना सा है, छोटा सा, आप ये देख सकते हो। टैंक के आगे जब भी हमें कुछ करना होगा, कुछ कुकिंग करनी है, कुछ करना है, तो ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल स्टूल है। कैपेसिटी इसकी 130 kg तक की है, मेरा वेट 100 kg के राउंड अबाउट है, आराम से मैं इसमें बैठ रहा हूँ, कंफर्टेबल है। और ये वाला परचेज करने का पर्पज़ ये था कि जो डीकैथलॉन की चेयर आती है, स्टूल आता है, वो यूज स्टाइल में आता है, के लिए जब भी वो फोल्ड करेंगे तो वो यूज स्टाइल में रह जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, और ये ऐसे शेप में हो जाता है, इजी टू कैरी है बाइकर्स के लिए, बाइकर्स को काफ़ी स्पेस सेविंग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से मैंने ये मंगाया था। फर्दर एक चेयर ऑर्डर करेंगे, अगर ये लगेगा कि हाँ एक चेयर और चाहिए तो वो फिर डीकैथलॉन से मंगवाएंगे। अभी के लिए ये अमेज़ॉन का प्रोडक्ट बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। 4 प्रोडक्ट्स हमने अनबॉक्स किए अलग अलग वीडियोस में, और
काफ़ी मेहनत चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ पर, तो आप देख सकते हो सराउंडिंग में क्या गर्मी है, क्या माहौल है, मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो जो कैंपिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।